हाँ तो यार दोस्तों, मकर संक्रांति सामने आ रही है और इस पर्व पर इसको चलाना कौन पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो भी इसी के ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम पतंगे जो धागे की सहायता से उड़ाते हैं और वो आकाश में उड़ती है, लेकिन दोस्तों हमारा काम ही एक्सपेरिमेंट का है, तो दोस्तों क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो ये रॉकेट है, हम इसको पतंग के कुछ इस प्रकार अटैच कर देंगे और उसके बाद इस फ्यूज को लगाएंगे आग और फिर देखते हैं क्या ये रॉकेट इस पतंग को ऊपर आसमान में उड़ा पाती है या नहीं। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, हमने कुछ इस प्रकार का सेटअप लगाया है और अब सिर्फ देरी है तो यहाँ पर आग लगाने की। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। हाँ तो यार दोस्तों, डिस्क्लेमर आपने देख लिया, लेकिन अब हम इस पतंग और रॉकेट को थोड़ा ज्यादा अटैच कर देते, क्योंकि जब ये एकजोट से फोर्स लगाएगी तब ये पतंग हमारी छूटने का भी हमें थोड़ा सा वहम है। तो दोस्तों टेप की मदद से हम इसको थोड़ा और टाइट कर देते हैं। हाँ तो यार दोस्तों, आपने देख लिया, हमने इस ब्लैक टेप की सहायता से इसको काफी ज्यादा टाइट अटैच कर दिया। अब वक्त आ चुका है इस फ्यूज को आग लगाने का और इस पतंग को आकाश में भेजने का। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस चैनल को लीजिए आप सब्सक्राइब, इस वीडियो कर दीजिए लाइक और सभी के साथ कर दीजिए शेयर। अब मैं सीधा लगा देता हूँ आग। हाँ तो दोस्तों लगा देता हूँ आग, 1 2 3। अरे कहाँ जा रही है? इनके भैया, अरे वाह, अरे कहाँ जा रही है? हाँ तो यार दोस्तों, हमने दो बार ट्राई किया। पहली बार तो हमारी रॉकेट और पतंग सीधा उस टंकी के पास जाकर गिरी, लेकिन दोस्तों दूसरी बार हमने जब आग लगाई तो दोस्तों हमारी पतंग है जो आसमान में शेयर करके आ चुकी है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस तरह ये पतंग रॉकेट के साथ सरसर तरीके से घूम रही थी और दोस्तों वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग बना। जो पतंग थी वो इधर आके यहाँ पे पड़ चुकी है और दोस्तों पतंग की हालत कुछ आप देख सकते हैं, इस प्रकार की हो चुकी है। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।